नमस्कार, मैं विकास संजीवकर मुन्ना दुबे। बात रहा दिल का रिश्ता और एक विवाह ऐसे का, तो इन दोनों का म्यूज़िक काफ़ी भोजपुरी से हट करके अलग बना है और हमने पूरी कोशिश की है कि जो अश्लीलता को हटा करके इस फिल्म को साफ सुथरी बनाई गई है और म्यूज़िक भी वैसा ही है। जब म्यूज़िक वैसा होगा तो उसका फिल्मांकन भी वैसा ही होगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं है इसमें, ना आइटम सॉन्ग है ना कुछ वैसी चीज़ें नहीं है। और इसमें जो भी हमारे जो सिंगर हैं वो सब बॉलीवुड के हैं, जैसे आपके अशित त्रिपाठी, विनीत सिंह वगैरह सब ये लोग गाए हैं सब गाने। तो जब आप लोग सुनेंगे तो खुद आप लोगों को लगेगा कि नहीं, इसमें असली नाम कैसे कोई चीज़ नहीं है। ये पूरी कहा जाए ना, क्या फुल पारिवारिक फिल्म है। देखिए, अभी एक विवाह ऐसा में भी 3 गाने हैं और पहले भी कुछ गाने बने हुए थे, और रात दिन का रिश्ता में टोटल 8 गाने हैं। अब देखते हैं कैसे आप लोगों को कौन सा अच्छा क्या लगता है। अभी हम तो नई तरीके जी देखिए, कुणाल जी के साथ हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। अभी नागधारी वगैरह हमने किया, फिर एक विवाह ऐसा किया, अभी फिर जाकर अभी लाइन से हम लोग फिल्में सब कर रहे हैं और नेचर के बहुत साफ और अच्छे इंसान हैं। अब यार बहुत अच्छे एक्टर हैं और ऐसे एक्टर को आगे आना चाहिए जिन्हें अभी तक तो हमारी ये तीसरी फिल्म है, अभी चौथी पांचवी फिल्म लाइन से लगी है अभी है, उसका अभी नामकरण हुआ नहीं है लेकिन शो पर है। देखिए, कुणाल जी का रोमांटिक भी अच्छा लगता है, एक्शन भी अच्छा लगता है, क्योंकि पिछला गुंडे भी इन्होंने एक्शन लेकर के आए थे और अभी जो रोमांस वर्जन लेकर के आए हैं वो भी लोगों को पसंद आएगा काफ़ी, क्योंकि क्यूट फेस है तो अच्छा लगेगा। देखिए, प्रवीण जी बहुत अच्छे टेक्निकल, बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हैं और जो भी शॉर्ट्स वगैरह जो मैंने देखा है गाने का, जो भी चीज़ें इन्होंने फिल्मांकन करके लाए, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत नई तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है इसके सारे गानों का और एक एक सीन बहुत अच्छे अच्छे लगे, कमाल गए। बहुत अच्छी अदाकारा है और अब हम क्या कहें, काफ़ी फिल्में उन्होंने किया है और हमने उनका एक विवाह ऐसा भी हमने उनका देखा, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। देखिए, पर्दे में जैसे कहते हैं ना कि एकदम साफ सुथरी जो नज़र से ना वैसी अच्छी लगेगी। आप लिरिक्स और म्यूजिक दोनों बनाते हैं, तो भोजपुरी में हमेशा अश्लीलता का प्रयास बना रहता है, कम हुआ है, आप इसमें कितना हिस्सेदार हैं? देखिए, हिस्सेदार हम पहले भी कह चुके हैं कि हिस्सेदार हम हैं नहीं, क्योंकि जितने जो एल्बम लिखते हैं, जो एल्बम का कोई सेंसर नहीं होता है और फिल्म में क्या होता है, सिचुएशन होता है, अगर हम अगर कुछ गलत लिखे भी तो सेंसर का पूरा हक उसको काटने का, अगर सेंसर उसको काट देता है तो वो बाहर ही नहीं आता है, लेकिन जो बाहर आता है तो हमारे ऊपर वैसा कोई आरोप लगेगा ही नहीं। अब तो ये सरकार बता सकती है, तो हम तो खुद गुजारिश करते हैं कि कम से अश्लीलता हमारे समाज से दूर की जाए, ताकि हमारे भाई, हमारी बहन माँ जाकर हॉल में फिल्में देख सकें, वो दौर ही पूरा ख़त्म हो गया। इसको कैसे दूर किया? देखिए, हम कोशिश पूरा कर रहे हैं, पूरे म्यूज़िक दौर वैसा लेकर के हम आ रहे हैं कि बनाएं। अभी देखिए, आपके एक विवाह ऐसे में ही गाना है कि चाहिए तोहके जान से ज़्यादा जाने जिगर, लिख देनी तोहरा के आपन सौ से उमर, चाहिए तोहके जान से ज्यादा जाने जिगर। तो अच्छे अच्छे गाने हम लेके आ रहे हैं जो आज के यूथ जो है उन्हें बहुत पसंद आया है। आपके इस फिल्म में कोई गाना रिकॉर्ड हो चुका है जो
दिल का रिश्ता का है, दिल का रिश्ता जुड़ल बजब से भूल गई नहीं जहां, ढूंढे ले अखिया सनम यहां से वहां, दिल का रिश्ता जुड़ल बजब से भूल गई नहीं जहां। देखिए अश्लील कोई नहीं गाता, हमने पहले कहा कि जो अगर सेंसर अप्रूव कर दे वो अश्लील नहीं रह जाता। देखिए एल्बम के, देखिए इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे कि कौन क्या करता है, सब अपने अपने नजरिया से काम करते हैं, जिन्हें जो अच्छा लगता करते हैं, हमें जो अच्छा लगता हम करते हैं। संतुष्ट तो नहीं है, हम शुरू से चाहते हैं कि साफ सुथरी इंडस्ट्री हमारी बनी रहे, बाहर के लोग भी आकर के काम करें। हम भी चाह रहे हैं कि म्यूज़िक में बाहर के लोगों को, अब कहीं मैंने उड़ीसा का है तो साउथ का है, मैं बुला के उन्हें गवाता हूँ, क्योंकि सारे लोग अगर जब तक नहीं एकजुट होंगे तब तक कोई इंडस्ट्री बनती नहीं है। मुझे ये वर्क, जब मैं आईटी करके मैं बेंगलोर में जॉब किया तो हमारा पैकेज ही था, मैं 3 लाख प्लस पैकेज पर मंथ था, फिर मैं वो छोड़ करके इस लाइन में आ गए। अब कहा नहीं जा सकता कि क्यों छोड़े क्यों नहीं, जो हमें पसंद नहीं आई छोड़ दी। देखिए शिव जी के भक्त, मैं अभी 25 तारीख से जाने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा, मैं वहाँ प्रभु से कामना करूँगा कि हमारे इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं कम से कम उन्हें सुबुद्धि दे कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें करें और हमारे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। और कितने मैंने स्कूटी से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पूरा किया है, और अभी जाने वाले हैं 25 तारीख से अमरनाथ यात्रा, इसका परमिशन वगैरह सारा हो चुका है। यात्रा 2017 में, और अभी 18 तक मैंने पूरा कर लिया था, और अभी 19 में भी जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा। देखिए अशोक शुक्ला जी बहुत अच्छे इंसान हैं और सपोर्टेड इंसान हैं। देखिए वापी के रहने वाले हैं लेकिन यहाँ आ करके हम सबका उत्साह बढ़ाते हैं, और अब देखिए लाइन बाई लाइन उन्होंने सारी फिल्में अभी कर रही हैं, तो भाई मैंने बहुत उनको शुभकामनाएं हैं और बहुत हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि वो साथ में हमारे जुड़ हैं। नमस्कार, बस यही कहेंगे कि अश्लीलता को दूर करें, अच्छे म्यूजिक सुनिए और समाज को अच्छी चीज़ें दीजिए। और सबसे पहले तो मैं सारे भोजपुरी दर्शकों का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और जैसा कि आपने कहा, एक विवाह का फर्स्ट लुक है और फिर दिल का रिश्ता का मुहूर्त है। हम जो है दिल का रिश्ता 15 जून से शुरू करें बॉम्बे में, और बहुत जल्द एक विवाह ऐसा भी का ट्रेलर और टीजर भी मार्केट में आएगा। सर ने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, जिस दिन आएगा मार्केट में ये फिल्म तो उस दिन आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने सही बोला। एक्चुअली मैंने आज से 4-5 साल पहले, मैंने एक संतोष मिश्रा जी हैं राइटर डायरेक्टर, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मजनू मोटर वाला, उसमें उन्होंने मुझे लॉन्च किया था। उसके बाद मेरी फिल्म आई थी गुंडे आई थी अभी पिछले साल, 2-3 साल पहले, बाली जी उसके डायरेक्टर। उसके बाद अभी नागधारी विद इन 10 डेज उसका ट्रेलर आ जाएगा वर्ल्ड वाइड से। फिर जमाई राजा है और अभी विवाह का आएगा, फिर दिल का रिश्ता। अच्छे लगता है, कोई भी स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता कि कोई स्टोरी है, तो जितना भी हम काम करते हैं, इवन मेरे अलावा भी जितने भी सारे लोग जुड़ते हैं किसी भी सिनेमा से, वो बात सिर्फ दिल का रिश्ता या विवाह की नहीं है,
कोई भी फिल्म हो तो सारा जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या रोल्स होते हैं वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इवन मुझे लगता है सबको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। जितनी भी फिल्म करता हूँ या करूँगा सारा एक्साइटमेंट होता है हर फिल्म के लिए और उतना ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है कोई भी कैरेक्टर। सारे लोग अच्छे हैं, वो भी अच्छी हैं जितने, और इवन अनूप अरोरा जी हैं, संजय वर्मा है, नीलम पांडे हैं, उमाकांत राय हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया, सारे अच्छे। सर आपको काफ़ी चुनौतीपूर्ण था लेकिन सब बड़े अच्छे लोग थे और अच्छे काम कर दिए, और जो दूसरी फिल्म है इसमें भी काफ़ी अच्छा होगा। अभी तो बदल रहा है, धीरे धीरे करके माहौल बदल रहे हैं और इसका अभी ऐसा, अभी आपने वो बोला बहुत कम बजट का होता है या कैसा, मुझे लगता है कि वो तो हमें जितने भी सारे हमारे टेक्नीशियंस हैं इवन भोजपुरी इंडस्ट्री के, हमें थैंक्स उनको बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी आप जैसे आपने कहा अकॉर्डिंग टू योर पॉप कि जो हिंदी फिल्में होती हैं बड़े बजट की होती है, मोर देन 40-50 डेज शूट होता है फिल्मों का, काफ़ी बड़ी यूनिट होती है उनकी, हम अपनी भोजपुरी फिल्में विद इन 20 डेज 25 डेज हम उसको शूट कम्प्लीट करते हैं, उसके बावजूद हम इतना बढ़िया उसको रिजल्ट देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ट्रूथ निक न देने का भी बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जब हम देखते हैं अपना सिनेमा तो हम कहीं ना कहीं उसको कंपेयर करने लगते हैं, कह यार ये एक्शन जो है वो साउथ जैसा है, तो अगर इवन हम एक वर्ड भी कंपेयर कर रहे हैं कि साउथ जैसा है तो अपने आप में ही वो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं, मुझे लगता नहीं बेहतर नहीं, मुझे कोई ऐसा इंस्पिरेशन मेरा नहीं है। हाँ बहुत सारे लोग हैं, आपको आशीष विद्यार्थी, आशुतोष राणा, नशुद्दीन खान, हाँ सारे, क्योंकि एक्टिंग वही करते हैं, अगर ऐसे बात करें प्रॉपर एक्टर की तो शाहरुख खान है, मुझे लगता है मैं बेहतर करता हूँ, आप मेरी फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा। तो मान लें तारीफ और नहीं होगा कौन ऐसा नहीं करते हैं, नहीं वो आप कह रहे हैं, मैंने कहाँ बोलूँ, आपने कहा नहीं, मैंने कहा अपने बारे में, मैं उनके बारे में बात नहीं की, वो आप बोल रहे हैं। और इस मूवी में बताइए कैसे गाने रहेंगे क्या? एक विवाह का जो टाइटल सॉन्ग है और भी बहुत 7 या 8 सॉन्ग्स हैं, मुन्ना दुबे ने बनाया है और दामोदर राव ने बनाया है, सारे बहुत ही खूबसूरत और अच्छे और प्यारे गाने, आप सुनेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। इवन वो मुन्ना दुबे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाया, जो सिंगर्स हैं उसने अच्छे अच्छे सिंगर्स से गाने गवाए हैं। अच्छा अरे गलत है, मुझे नहीं 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 मुझे आपको लगता है मुझे देखे कि मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ, कोई डबल मीनिंग का गाना ही नहीं है। हाँ और भोजपुरी में एक्ट्रेस में अच्छा एक्टिंग किसका? काजल में अच्छा, काजल या तो कोई और है, काजल लगवाने भी अच्छा, मुझे ध्यान में नहीं आया, अभी काम साथ किया ना इसीलिए याद आया। तो इस मूवी में उन्होंने काम किया काजल यादव, और विवाह में है ना काजल यादव है, मेरी पहली फिल्म थी जो संतोष मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया था वो काजल राघवानी के साथ ही थी पहली फिल्म। काजल यादव से झगड़ा करते हैं? मैं सर किसी से झगड़ा नहीं करता, और प्यार मोहब्बत करते हैं? मैं प्यार भी नहीं करता, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। आप ये बातों से कितना संतुष्ट हैं, कितना को सहयोग करते हैं? बहुत ज़्यादा, उतना जितना आप सवाल कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि एक प्रॉपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो ऐसा लगे कि अरे यार ये तो हर कोई बोलता है, लेकिन लेकिन जनरली जो है सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है, सारी बेसिक्स चीज़ समझते हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे यूपी बिहार से जुड़े हुए हैं तो उनको बेहतर नॉलेज है, गाने का सेंस है, स्क्रिप्टिंग का, कि भोजपुरी का फ्लेवर क्या है, हमारा
कल्चर क्या है, तो उनको समझ में आती है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि मैं खुद को लकी मानता हूँ, मुझे लगता है मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रवीण, और वो डायरेक्टर भी है और इवन बहुत बढ़िया डायरेक्टर, टेक्निकली सेंसेस क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या डायरेक्ट कर रहे हो, आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो चीज़ों, तो मेरा कहीं ना कहीं एक अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, तो मुझे मज़ा आता है। सबसे बेस्ट क्या है? मुझे लगता है कि वो क्रिएटिव, मुझे लगता है कि हम कोई भी ऐसा फिल्म इंडस्ट्री या ग्लैमर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग काम करते हैं, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हो, तो बाद में उसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो प्रवीण का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उसको समझ है चीज़ों की, वो क्रिएटिव है, उसको नॉलेज। ऑन सेट डायरेक्टर होते हैं या दोस्त होते हैं? मुझे लगता है कि फ्रेंडली ज़्यादा है, मोर देन डायरेक्टर। क्या होता है कि हमारा जो अगर मुझे लगता है कि सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर ट्यूनिंग सिर्फ प्रोफेशनल रहेगा तो बहुत ही फेक लगता है। अगर हम ज़्यादा म्यूचुअली काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर वो फ्रेंडली में काम होता है तो उसका आउटपुट भी बेहतर निकल गया, वो आपको दिखेगा। इवन नागधारी भी हमने साथ में काम किया था, आप नागधारी देखेंगे उसका ट्रेलर आएगा भी, और फिर विवाह का है चाहे दिल का रिश्ता जो भी है, तो लगेगा कि मैंने सही बोला। सर आप जहाँ जाएंगे इसमें क्या कहने का है? आपकी फिल्म बन के तैयार हो गई है, रिलीज पर है, तो फिल्में आखिर क्यों देखें? बहुत अच्छी फिल्म है और फिल्मों से हट कर के है, तो इसके लिए अच्छी लगेगी लोगों। कहाँ कहाँ शूटिंग किया? इधर ही पनवेल में किया है, नागधारी का नागधारी का तो यूपी में किया था इलाहाबाद में, और कुछ गाने सलवासा में किए थे। एक के बाद एक इतनी फिल्में बना रहे हैं, गवर्नमेंट पे आपको सवाल नहीं मारते? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब वाइट वाला है। वाइट वाला ऐसा जैसा ये आपने देखा है, कुछ गाने देंगे? बहुत अच्छे हैं सब, पूरे जितने भी इसमें टेक्नीशियन हैं, बाकी पर्सन हैं, हीरो हीरो जितने भी लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं। कितना सहयोग करते हैं आपको? पूरा सहयोग। और जो नए प्रोजेक्ट प्लानिंग है? बस ऐसे चलता रहेगा, माता रानी की कृपा से। पाँच छः फिल्म बनाने का है। हम लोग हीरो की ट्राई कर सकते हैं? आओ आओ मार्केट में, आओ मार्केट में आओ। ऐसा ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते थे, हम एक्चुअली एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी सारे जो लोग थे, तो हम थोड़े बहुत हम लोग प्रैंक भी करते थे, मस्ती भी करते थे। सबसे मज़ेदार था एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे एक लाइब्रेरी का, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज और बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी थी, कोई कॉलेज था खारगढ़ में बॉम्बे में ही, तो कुछ उनका 3-4 घंटे का परमिशन था उस लाइब्रेरी का, और हमने सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वहाँ शूटिंग किया, और उसके जो ऑनर है वो डायरेक्ट वहाँ CCTV से सब देख रहे थे। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, वो आके पर्सनली देख के भी गए, उनको अच्छा भी लगा, लेकिन उनका कुछ था ऐसा कि इतना टाइम ड्यूरेशन तक शूट करना है, और चीज़ें ऐसी थी कि एक दिन का टाइम था और बहुत सारे सीन्स निकालने थे, तो काफ़ी लेट नाइट शूट हुआ। अचानक उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, हम लोग शूट कर रहे थे, कैमरा वाला आया, जो कैमरा अटेंडेंट था, अचानक हम लोग शूट कर रहे कैमरा लेके भाग गया। तो इतना वहाँ पे भागन, वो बहुत मज़ेदार, उस समय के लिए बहुत ही टेंशन था, लेकिन अभी बहुत हंसी आ रहा। उनको लगा कि कैमरा हमारा जल गया। ये फिल्म दिल के रिश्ते की शूटिंग कब से कर रहे हैं? 15 जून से कर रहे हैं। और फिल्म रिलीज कब होगी? कौन सी है? दिल का रिश्ता एक विवाह, अभी तो सर बताएंगे, 2-3 महीने लगेगा उसमें सब काम होने में। थैंक यू सर। एक्चुअली दोनों अलग अलग जॉनर के फिल्में हैं, एक ऑलरेडी शूट हो चुकी है जो एक ऐसा भी, तो वो एक ऐसी फिल्म थी, प्योर लव स्टोरी थी, हार्ड कोर लव स्टोरी है, एक केमिस्ट्री है दोनों हीरो हीरोइन की, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग लव स्टोरी है, उसके ऊपर एक अच्छी सी मतलब फील गुड फिल्म है, जिसका मतलब बहुत अच्छी लव स्टोरी, क्यूट लव स्टोरी है। और दूसरा जो है दिल का रिश्ता, एक प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर है,
जिसमें दो पारिवारिक में एक अच्छी सी मतलब फैमिली इमोशंस को लेकर, फैमिली की मतलब एक आज के ज़माने में जैसे लड़की का ज़्यादा मतलब फैमिली में वो चीज़ें नहीं होती है कि लड़की के लिए हर कुछ करते हैं, लेकिन जब मेन शादी पे बात आती है तो लड़की का कोई सुनते नहीं है। तो क्यों फादर उस लड़की को उतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, उतना वैल्यू क्यों नहीं देते? अगर हम अपनी बेटी की बात सुने और उसके हिसाब से शादी करें तो क्या हो सकता है? एक छोटा सा मैसेज को लेकर, अच्छा सा मैसेज को लेकर फिल्म आ रही है दिलकश। ये दोनों जो फिल्म है ये दोनों इंडियन मेन बन चुका है और ये कोई मतलब सिर्फ टाइटल है हम लोग का और कोई किसी फिल्म से इंस्पायर नहीं है हम लोग, ओनली टाइटल है और उसी टाइटल के हिसाब से हम लोग की जो कहानी है वो उसी टाइटल पे ऑप्ट है। वही बोल रहा हूँ, वो मतलब फैमिली इमोशंस के साथ एक अच्छी सी बॉन्डिंग लव स्टोरी है उसमें, प्रॉपर वो दिल का रिश्ता जो है वो ऑप्ट है उस कहानी के। सॉरी सुनाई दिल का रिश्ता में, दिल का रिश्ता में तो फिलहाल मैंने वन लाइन सुनी हूँ और प्रॉपर मुझे भी नहीं पता है, बट जो भी होगा सर के डायरेक्शन के अंडर में तो बहुत बेस्ट होगा। एक विवाह तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है और आज उसका फर्स्ट लुक आउट हुआ है और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही हटकर है ये फिल्म और बहुत ही स्टोरी आप पता नहीं कर सकते कि पोस्टर देखे कि क्या है। जैसे नॉर्मल भोजपुरी फिल्म्स कैसी होती है कि आपको पता चल जाएगा अच्छा ये विलेन है, ये हीरो है, ये आके बचाएगा ये वो, ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है हमारा और बहुत हमारी ऑडियंस बहुत पसंद करेगी। हाँ मतलब ड्रिंकिंग जो है वो हैबिट अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, इट्स नॉट गुड। नहीं मैं नहीं लेती हूँ। अरे सीरियसली नहीं लेती हूँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? तो वही मैं उनको ये घूर रही हूँ कि क्यों ड्रिंक कर रहे हो, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। मुझे नहीं पता, मैं तो भोजपुरी में काम करती हूँ तो बॉलीवुड का इतना इन्फॉर्मेशन मैं रखती नहीं हूँ फिलहाल, और भोजपुरी का तो मुझे ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया कि सबसे ज़्यादा हीरोइनें ड्रिंक करती हैं। बहुत उनके सर के साथ तो मुझे पहले से काम करना था और मेरी वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर हैं प्रवीण जी और मेरी मम्मी के भी बहुत फेवरेट डायरेक्टर है, तो ज़्यादातर एक विवाह करने का रीज़न सर थे और जब मैं थ्रू आउट दी जर्नी जब हम फिल्म कर रहे थे शूट तो बहुत ही एक एक बारीकियाँ जो सर से सीखने मिली है, जो मैं घर जाके मम्मी से बताती थी कि ये चीज़ें ऐसी होती थी वैसी होती थी, तो वो बहुत खुश हो जाती थी कि चल अच्छा है तो एक अच्छे मतलब डायरेक्टर के अंडर काम करके आई और बहुत कुछ सीख कर आई है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। प्रवीण सर का गुस्सा वाला ज़्यादातर आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमेशा कूल रहते हैं क्योंकि उनको पता है उनका काम कैसे करना है, वो अच्छे तरीके से सारी यूनिट को हैंडल करते, इवन हीरो हीरोइन जैसे कभी कभी लेट हो जाता था तो बहुत प्यार से बोलते थे थोड़ा लेट हो जाता है। नहीं नहीं सर, बगल में नहीं भी होंगे कहीं और भी होंगे तब भी मैं घर पे भी इनकी तारीफ करती हूँ। तो अच्छा, सर से कभी आपको डांट मिलेगी नहीं क्योंकि सर बहुत ही कूल नेचर के हैं और बहुत अच्छे से काम निकलवाते हैं सर। मैं सिर्फ गुस्सा होता हूँ प्रोडक्शन टीम को। गाने बहुत अच्छे बने दिल का रिश्ते के, मतलब सब सिचुएशनल गाने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कमर्शियल या तो जैसे होता है कि कुछ अच्छा सा गाना रख के फिर हम सिचुएशन बाद में बनाते हैं, वैसा कुछ नहीं है, कहानी का सिचुएशन पे गाने बने हुए। मुन्ना दुबे जी का मुझे अच्छा लगा, उनके इवन वो गीत खुद लिखते हैं और म्यूजिक भी है, तो वो खुद चाहते हैं कि कुछ अलग दे, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मुझे भी कुछ अलग करना है, तो वो हमसे मैच होता है अच्छा खासा हमसे, तो बना लेते हैं अच्छी फिल्में अच्छी गाने बनते। कुणाल जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली उसके साथ मेरा ट्यूनिंग बहुत अच्छा जमता है, इसलिए जमता है कि कुछ चेंज ओवर करना चाहता है वो और मैं भी चाहता हूँ कुछ चेंज ओवर हो जाए, तो जब कुछ भी कोई भी लगता है कि कुछ नया करे कुछ चेंज ओवर करे तो मैं जल्दी ट्यूनिंग। हाँ तो ये कैसा सवाल है, कुणाल को कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं क्यों
उनकी मर्जी, देखिए अगर उन्हें लगता है कि मैं इस कैरेक्टर में फिट हूँ तो सर की मर्जी, मुझे लेंगे, नहीं फिट हो तो नहीं लेंगे, थोड़ा बिग इशू कुछ नहीं है। एक बार मेरा मतलब प्रॉब्ली क्या है, मैं जल्दी मतलब एक बार काम कर चुका हूँ तो फिर मेरे को कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली बार जब काम करने जाता थोड़ा सोचता हूँ, मेरे साथ जो काम नहीं था मैं सोचता हूँ कि यार क्या करोगे, लेकिन एक बार कर लूँगा तो फिर मेरे को कोई 100% मेरे को लगता है कि ये कैरेक्टर में जमेगा तो मैं 100%। मतलब समझी नहीं, इस फिल्म में तो ज्यादा वैसे डायलॉग्स नहीं थे, लंबे डायलॉग्स। अच्छा लंबे लंबे डायलॉग्स कुछ नहीं थे इस फिल्म में, जो एक विवाह में बहुत मतलब नॉर्मल और प्रॉपर छोटे जो डायलॉग्स, दिल का रिश्ता में बहुत सारे डायलॉग्स, दिल का रिश्ता में सिर्फ डायलॉग डायलॉग्स ही है। उलझन तो मुझे हर फिल्म में होती है, जब भी शुरुआत होती है, जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आता है तो मैं उसे बहुत बार पढ़ती हूँ, बहुत मतलब हद से ज़्यादा, और जब जिसमें मेरा रोल जो ज़्यादा बोलने वाला हो तो उसको तो मैं बाय हार्ट कर लेती हूँ सारे डायलॉग्स। तो उलझन, हर उलझन नहीं बोलेंगे उसे, बोलेंगे एक तरफ का, एक तरफ से प्रेशर में फीलिंग, मतलब जब आप अच्छा कर रहे हो काम तो आपसे लोग और उम्मीद करते कि आप और अच्छा करें, तो वही रहता है कि उस चीज़ों को आपको मेंटेन रखना है, तो वो प्रेशर रहता है थोड़ा बहुत, और बाकी तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है। कुणाल जी तो थ्रू आउट दी फिल्म बहुत सपोर्ट था उनका, और हीरो हीरोइन की ट्यूनिंग आपस में अच्छी होती है तो वही स्क्रीन पर दिखती है, और थ्रू आउट हमने बहुत ही अच्छे से इजीली वे में हमने वर्क किया, और अच्छा कुणाल जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुणाल जी की यादें, कुणाल जी इसमें याद आने जैसा कैसा, मतलब हम तो मुंबई में रहते हैं, जैसे जो लोग दूर रहते हैं तो उनको याद किया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या आप कुछ भी पूछ रहे सीरियसली जी नेक्स्ट ये June 20 से कौन सी फिल्म? दोनों पहले हम शूट एक हुआ ऐसा भी, तो अभी एडिटिंग कंप्लीट हो गई, हम लोग बहुत जल्दी डबिंग स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बारिश के बाद है, अभी मेरी दो फिल्में हैं रिलीज पे, एक दुल्हन हम ले जाएंगे, शायद मे बी 21 June या 28 June को दुल्हन हम ले जाएंगे, जिसमें गोलू और तन्नू है, और उसके बाद नागदारी का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, इसी नेक्स्ट वीक में नागदारी का ट्रेलर लॉन्च होगा, जिसमें कुणाल और प्रीति दानी है, और अभी दिल का रिश्ते में अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, आर्टिस्ट फाइनलाइज करना है, एक कुणाल तिवारी फाइनलाइज है और जयतोष कुमार फाइनलाइज है, एक जयतोष कुमार अभी अच्छा है, अब नया नया आया हुआ है, मेहनती है, अपने एक्टिंग पे वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक होता ना कि कुछ करने की अंदर से वो कॉन्फिडेंस लेवल है उस लड़के में, जो चाहता है कि मैं करूँ कुछ करके दिखाऊं, तो जैसे डायरेक्टर बोलता है उसको जल्दी सीखने की कोशिश करता है, उसको जल्दी ऑप्ट करता है और जल्दी कर लेता है, तो एक चीज़ है उसको करने की, तो वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकता है। ट्यूनिंग मतलब पिक्चर में कैरेक्टर में कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है, मतलब और फिल्मों जैसा हीरो हीरोइन की नहीं होती, जैसे एक छोटा सा हिंट है, ऐसा पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, बट दोनों के बीच में ऐसा क्या चीज़ें जो एक इमोशंस होते हैं, पता है कभी कभी हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन हम उसे बोलते नहीं हैं, लेकिन दोनों की जो केमिस्ट्री कभी कभी ऐसी होती है ना कि अपनापन एक फीलिंग आती है, तो वही अपनापन आपको हम दोनों की जोड़ी में इस फिल्म में आपको नज़र आएगी, जो मतलब बिना बोले लव यू, दोनों में इतना प्यार है, मतलब वो ऑडियंस को देखने मिलेगा। बहुत निर्माता का सपोर्ट ही तो बहुत होता है, तभी तो इतनी अच्छी फिल्म, इतना अच्छा रिजल्ट आउटपुट मतलब आता कोई है। प्रेशर नहीं देते, हाँ। जैसे कि एज ए मुझे भी डायरेक्टर के मतलब एज ए प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई प्रेशर नहीं है कि आज के दिन में एक दिन में इतना सीन्स करो या इतना दिन में कंप्लीट करो या जल्दी जल्दी करो, कुछ नहीं है, एक फ्रीडम देते हैं डायरेक्टर को अपने हिसाब से आप करिए, एक बजट कंट्रोल करना है। रिलीजिंग पे काजल है, जमाई राजा, देन चिराग, और अपकमिंग है और भी। थैंक यू सो मच। संतोष कुमार, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। एक विवाह ऐसा भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है, इसमें मैं सेकंड लीड का काम किया है, कुणाल जी के साथ काम किया है। जहाँ तक को एक्टर्स की बात है, कुणाल जी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत काफ़ी सपोर्टिव हैं। काजल जी
मैं ये बताना चाहूँगा कि काजल जी का मैं को एक्टर का और उनका फैन ज़्यादा हूँ। बहुत ही अच्छी एक्टर हैं वो और वेरी नाइस डांसर, मतलब मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ और सेट पे काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं वो। और जी इनका नाम आयशा है, ये भी अभी दिल का रिश्ता में हमारे साथ काम करने वाली है और काफ़ी खूबसूरत फिल्म बनी है एक विवाह ऐसा भी, हम लोगों ने शूटिंग कंप्लीट कर ली है। अभी दिल का रिश्ता हम 20 तारीख से 15 से 20 तारीख तक इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आयशा जी खूबसूरत है? जी बिल्कुल खूबसूरत, चीज़ को मतलब बताने की जरूरत नहीं, खूबसूरती अपने आप में दिखती है। शुक्रिया। प्रवीण जी का जी मतलब मेरा सौभाग्य है कि प्रवीण जी के साथ मैंने एक विवाह ऐसा भी में काम किया है, उनके निर्देशन में ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है और दूसरी फिल्म दिल का रिश्ता भी मैं उन्हीं के निर्देशन में कर रहा हूँ। मतलब मेरी बहुत इच्छा थी दिल से कि मैं उनके साथ काम करूँ और मेरी इच्छा दो फिल्मों में पूरी हो रही है, मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी एक्साइटेड। मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, एक्चुअली जमाई राजा से मेरी शुरुआत हुई है फिल्मों में और कुणाल जी का काफ़ी योगदान है मुझे पूरी फिल्मों में लाने में, उनके ही सहयोग से मैं। जी सबसे पहले सभी को प्रणाम, मेरा नाम आयशा कश्यप, मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ और एक्चुअली कुणाल जी के साथ मैं जुड़ी थी इट्स उनकी मूवी जो कौन सी एक विवाह ऐसा भी, बट मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी एक रिश्ता इस मूवी के साथ मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ, दिल का रिश्ता, हाँ इनके साथ सेकंड लीड। जी मिली तो नहीं हूँ, अभी फर्स्ट टाइम मिली हूँ, क्यों नहीं मिलेगा। और इससे पहले मैंने काम किया है भोजपुरी में, साजन मूवी फर्स्ट थी और उसके बाद साथी मूवी मैंने किया है, बहुत सारे एल्बम्स की हूँ, साउथ में मैंने काम किया है, सो बट एज अ बिहारी मैं प्राउड करती हूँ अपने भोजपुरी को, सो मैं अपने भोजपुरी को उस लेवल तक उस मुकाम तक लाना चाहती हूँ कि ताकि सभी लोग इसे बहुत तारीफ करें हमारे इस भोजपुरी इंडस्ट्री को, सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूँ, उसे एक क्लास बनाऊँ अपने इस भोजपुरी इंडस्ट्री को। जी हाँ उनके साथ मेरी एक मूवी बदमाश मूवी थी जिसके मुहूर्त में हम लोगों ने मिले थे हम लोग, तो उन्हें मैं उस मूवी से जानती हूँ, अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है उसकी शूटिंग। जी निर्माता जी से अब डायरेक्टर सर के बारे में मैं पर्सनली तो नहीं जानती हूँ क्योंकि अभी मेरी ये फर्स्ट मूवी है, तो आगे पता चलेगा मिलने के बाद उनके साथ। जी हाँ मेरी तरफ से बहुत सारी ऑल दी विशेज, लाइक मैं भी उस पार्ट पे हूँ और हम लोग चाहते हैं कि वो सुपर हिट हो, और इस मूवी में शायद मुझे जहाँ तक पता है लाइक ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की मूवी है, जो भोजपुरी मूवीज हमेशा होती हैं उनसे कुछ हटके हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है, तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, स्वीट लव स्टोरी और सारा कुछ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, तो आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, मुझे प्राउड है और कि मुझे इस तरीके की मूवीज में एक पार्ट मिला है। इसमें एज अ काजल यादव कुणाल जी हैं और मैं हूँ और ये जगजीत जी हैं, सो हम लोग इसमें एज अ लीड काम कर रहे हैं। जी गीत संगीत या मैं बचपन से ही डांसर हूँ, सो मुझे बस भोजपुरी में डांस, आई लव डांसिंग। हाँ अभी अब देखते हैं, इस फिल्म में ये पहली बार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो क्या कोऑपरेशन रहता है, क्या सहयोग करती है। जी बिल्कुल उम्मीद तो करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। समाज को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, मेरा नाम उमा कांत राय है, मैं एक्टर हूँ और एजी यूपी में काम कर रहा हूँ। बहुत कम
कमाल का अनुभव रहा है और इस पूरी यूनिट को सजाने संवारने में मेरा योगदान रहा और सब लोगों का सपोर्ट रहा। और ओम जी ने तो कमाल की फिल्म लिखी है ऐसा मैंने सोचा भी था, और उससे कहीं बेहतर इन्होंने फिल्म लिखी। स्टोरी डायलॉग्स इनके लाजवाब हैं। देखिए पहली बात तो आज राइटर मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कहानी को लिखा जो फिल्म बनेगी उसके बारे में ज़्यादा उचित होता है। बहुत बड़ा राइटर ने वो छोटा मोटा लिख लिया और गॉड गिफ्टेड है, कहीं से ट्रेनिंग ले गया, फिर से इंस्टीट्यूट से नहीं आया, यहीं पर सीखा, यहीं पर लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। राजेश गुप्ता, मैं एक कलाकार इसके हैसियत से कर रहा हूँ एक काम दिल के रिश्ता में। कुणाल के साथ एक पहले भी पिक्चर कर चुका हूँ, छोटा काम एक विवाह ऐसा भी, मैं मैंने एक अच्छा रोल किया था छोटा, तो उन्होंने फिर बुलाया इसमें काम करने। थोड़ी अलग है, अच्छी कहानी है, अच्छी लव स्टोरी है। और शुरू 20 जून से हम लोग जाएंगे फ्लोर पे। दिल का रिश्ता ना है। किसकी कौन सी मूवी आती है? हमारी तो तीसरी चौथी होगी। इसके पहले दुल्हन हम ले जाएंगे, प्रेमी ऑटो वाला, एक विवाह ऐसा भी, और चौथा में दुल्हन हम ले जाएंगे। मैं गोलू भैया लेके गया था, ऋषभ कश्यप गोलू दुल्हन लेके गए थे। नहीं नहीं, हम तो प्रोफेसर थे ना वहाँ पे, हमारा बच्चा था वो, मैं स्टूडेंट, वो हमारा स्टूडेंट था वहाँ पे, मैं वहाँ पे वो प्रोफेसर का रोल किया था। भोजपुरी दोस्तों सबको नमस्कार, मैं महेश उपाध्याय। हाँ, दिल के रिश्ता से एक तो अच्छा है, हमारे अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में सब नए नए अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं। मैं ज़्यादातर एज ए ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, एक हमारे इंडस्ट्री में जॉब होता है उस बिहाफ में मैं करता हूँ। हाँ ऐसा सुनिए, नहीं ये सही बात है, अगर चाहे वो तो अच्छी फिल्म बनाए और नहीं चाहे तो डायरेक्टर को बर्बाद कर दे प्रोड्यूसर को। ये प्रवीण जी को मेरी केमिस्ट्री तो शायद अपनी इंडस्ट्री में सब अच्छे से जानते हैं कि प्रवीण जी, मैं कब लगभग 12-15 साल से एक साथ ही काम कर रहे हैं और प्रवीण जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं, लगभग मुझे लगता है 7वीं-8वीं फिल्म होगी जो हम साथ में कर रहे हैं। आप कहाँ करना था, कितनी फिल्म में गए थे? मैं लगभग काउंटिंग तो नहीं होगा मगर मुझे लगता है कि 50 और 100 के बीच में होगा लगभग। मैंने दिनेश जी की 5-7 फिल्में, खेसारी जी की 10-12 फिल्में, पवन जी के साथ 7-8 फिल्में, रानी जी के साथ 8-10 फिल्में, मतलब भोजपुरी के जितने भी हीरो हीरोइन लगभग सबके साथ तो मैंने काम किया ही है। और मेरी कुछ अच्छी फिल्में भी हैं जो अच्छी चली हैं, मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी एक फिल्म दिया मंदिर वहीं बनाएंगे चिंटू जी को लेके, वो भी अभी है। प्लस अभी जस्ट कुणाल जी के साथ एक पिक्चर एक विवाह ऐसा भी कंप्लीट किया, सेकेंड फिल्म भी उनके साथ दिल का रिश्ता में करने जा रहे हैं। देखिए आप इतने अच्छे पुराने हैं, आप सब जानते हैं, कोई निर्माता फिल्म बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजपुरी के निर्माता को पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो फिल्म बनाने या नहीं फिल्म देखने आए। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में दो तरीके के प्रोड्यूसर आते हैं, एक फिल्म देखने आते, एक फिल्म बनाने आते। जो बनाने वाले हैं वो इंडस्ट्री में रहते हैं और जो देखने आते हैं देख के चले जाते हैं। कहना क्या है आप समझ गए मैं क्या कहना चाहूँ, बाकी सब सर अशोक शुक्ला जी बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं और लगातार वो तीसरी फिल्म कर रहे हैं, नागधारी किया कुणाल जी को लेके और अवनीश जी को, बहुत अच्छी फिल्म है वो रिलीज पे है। उसके बाद उन्होंने एक विवाह ऐसा भी किया, वो भी एकदम अर्बन लव स्टोरी फिल्म, अभी जो नए वो वही घिसी पिटी कहानियाँ नहीं हैं। और दिल का रिश्ता तीसरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लगातार वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हमें भी काम करने का मौका दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। क्या बात है, चाचा मैचिंग की शर्ट भी पहने हुए हैं। नहीं लड़ते नहीं रहते, पहली फिल्म भी हम लोग ने साथ में की है सौगंध, और हमारा इनका रोल एक ही लेवल पर मतलब था कि ये
और हम साथ में ही रोल, मतलब कोई विरोधी नहीं थे उसमें, साथ वाले थे, लेकिन बाद में ये बम ब्लास्ट करके हम लोग को उड़ा देते हैं। नहीं दुश्मन नहीं, हमारे सब छोटा भाई है मेरा, और इस समय जो काम कर रहा है काबिले तारीफ है। नहीं बिल्कुल सही बता रहे हैं, मतलब मेरे तो गार्जियन जैसे हैं और मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत 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 गहरा है, मतलब इवन मैं मानूँ तो मुंबई में मेरे गार्जियन हैं। दिल का रिश्ता है पूरा अच्छी तरह, बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों मतलब कैरेक्टर में डेप्थ होना चाहिए, गहराई होनी चाहिए, और कुछ एक्टर के लिए करने के लिए होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली मैंने भाग की सारी बात की, तो वो रोल मेरे मतलब दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मेन कहानी बाप और बेटे पे है, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी थी, तो मेरे दिल को छू गई और बड़े दिल से हम दोनों ने काम किया, मैंने और खिलाड़ी भाई ने। तो उस तरह की फिल्म जैसे दुल्हन हम ले जाएंगे, जैसे अभी तो ईद पे रिलीज हुई है मुंबई में क्रैक फाइटर, जो होली पे रिलीज हुई थी बिहार झारखंड में, और बिहार में रिलीज हुई है जो बहुत हिट जा रही है, आई थिंक हाउसफुल जा रही है चारों, मैंने उनको सजल छू लिया, दोनों पवन जी की फिल्म है। आने वाली फिल्मों में दुल्हन हम ले जाएंगे हैं, प्रेमी ऑटो वाला है, भाग की सारी भाग है, बॉस है पवन जी की, एंड कई फिल्में हैं कौन सी की मैंने इतनी याद नहीं है। हाँ उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं उनसे बहुत मतलब इम्प्रेस हूँ, उनके साथ एक फिल्म की थी मैंने दुल्हन हम ले जाएंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा किरदार कितना बेहतरीन था, और उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से संवारा उस चीज़ को, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, और नए टैलेंट तो आने ही चाहिए, क्योंकि वो हर इंडस्ट्री का रूल है कि एक 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 जनरेशन जाती है, नया जनरेशन ग्रो करता है। बॉलीवुड में भी देख लीजिए कि अब शाहरुख सर, सलमान सर, उनका जनरेशन धीरे धीरे जा रहा है और नया जनरेशन ग्रो कर रहा है, और उन सब का आशीर्वाद नए जनरेशन पर बना रहता है ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। नाइकी में भी एक जनरेशन जा रहा है, दूसरा जनरेशन आ रहा है कहीं नहीं, वो लोग बहुत सीनियर हैं मेरे। मैं उसका फादर ही बना हूँ, और हम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसके पहले एक फिल्म जो काजल बनी है ब्रजभूषण जी की, उसमें भी मैं उसका गुरु समान मतलब सीनियर वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, जो उसकी हिम्मत देता हूँ कि वो सारी परिस्थितियों से लड़ के जीत हासिल करे। तो और काजल को चूँकि बहुत पहले से जानते हैं हम लोग, एक परिवार की तरह हैं सारे लोग, उसके साथ बहुत फैमिलियर माहौल में काम कर पाता हूँ। कुणाल के साथ पहली बार काम किया मैंने, तो शुरू में एक दो दिन तो हम लोग की बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन बाद में एक मतलब अपने बच्चे की तरह हो गया, और मैं उसको काफ़ी छेड़ता रहता हूँ सेट पर, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टीम बहुत अच्छी थी, प्रवीण जी के साथ तो पहले भी फिल्म कर चुके हैं हम लोग, महेश उपाध्याय जी थे प्रोडक्शन में, उमाकांत राय जी थे, सारे लोग, मतलब एक अच्छा बहुत अच्छा माहौल था जहाँ हम लोग थे, खारघर में रुके थे, बहुत अच्छी जगह थी, काम करने का एक अलग माहौल था, बहुत आनंद आया, और फिल्म भी मुझे लगता है बहुत अच्छी बनी। शुक्ला जी बहुत अच्छे निर्माता हैं, और काफ़ी पूरे टाइम सेट पर मौजूद रहते हैं, एक निर्माता का सेट पर खुद मौजूद रहना टीम के बाकी लोगों का मनोबल बढ़ाता है, और काम हमेशा अच्छा है। अनुज जी कहाँ के रहने वाले हैं और कितने से फिल्म आपने किया है? हम बनारस के हैं, बनारसी हैं पूरी तौर पर, नहीं दोनों काम करते थे सर, बनारस में रहने वाला नाव न चला ना जाने, तो अपने समय में मतलब युवा अवस्था में तो रोज नाव चला के हम लोग गंगा के पार जाते थे। अब आप ये बोलेंगे तो मैं आज ही बनारस से आया हूँ 2 बजे, और घर से बस नहा धो के उसके बाद तुरंत यहाँ आ गया, क्योंकि आदेश था आने का, तो बस आप समझ सकते हैं इनको बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, क्योंकि सेट के अलावा ये कहीं और जाते ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, किसके साथ? माया और काजल। नहीं, काजल और माया जी की कोई समानता की बात नहीं है,
माया जी एक सीजन एक्ट्रेस हैं, इतने दिनों से काम कर रही हैं, काजल अभी आई है और अभी सीख रही है, लेकिन वो जिस संपूर्णता से काम कर रही है जल्दी ही एक मुकाम हासिल करेगी, और जो फिल्में भी वो कर रही है वो एक तरह से नारी प्रधान फिल्में हैं, तो ये एक अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसको अभी आने के थोड़े दिनों बाद ही ऐसी अच्छी फिल्में हासिल हों जिसमें उसका किरदार बहुत ही सशक्त हो, तो उसको मेरी शुभकामनाएं हैं उसके लिए। ये कहना चाहेंगे बहुत खुश हैं और ऐसा लग रहा है कि जो कॉस्ट्यूम है लोगों को पसंद आए। आप उसमें बोल दे रहे हैं क्या क्या दिखाना चाहते हैं क्या बहुत आपको है? नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ज़्यादा पियोगे तो फिर लड़की छोड़ के भाग जाएगी। हाँ, बाजू में भी है। नहीं, वो अभी ये तो रियल है ना, वो रील था। हाँ, फर्स्ट लुक बहुत डिफरेंट है और मेरी उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, मेरा रोल उसमें बहुत अच्छा है और पर्सनली मेरा ये मैंने अब तक की जितनी फिल्म की हूँ उसमें से ये बहुत ही टचिंग हार्ट टचिंग रोल है इसमें मेरा, और पब्लिक मुझे इसके बाद और ज़्यादा प्यार करने लगेगी। हाँ, इसमें तो इनफैक्ट बहुत बार शादी हुई है, बारात भी निकला है और बहुत बार हमने शादी किया है शायद इस वक्त में, और पब्लिक देखेगी तो बहुत इंजॉय करेगी। हाँ, मैं तो बचपन से शादी कर रहा हूँ, बड़ा मुझे मज़ा आया। कितनी शादी हो चुकी है अभी तक? याद नहीं है, लेकिन ऐसे अप्रॉक्स 103-104 ऐसा कुछ। 103-104 बच्चे कितने बच्चे यार? वो काउंटिंग थी, वो तो पता करना पड़ेगा। बहुत शादी के बाद वाला जो सारी जो कितना एक्साइटमेंट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है ना, लगता है कि चलो बीवी आएगी, आपको चाय देगी, ब्रेकफास्ट देगी, लंच देगी, डिनर देगी, मज़ा आता है। कुछ फिल्म का सीन बताएंगे शादी का, या कुछ ऐसा हुआ हो जो सही में आपको मंडप से कहीं दुल्हन भाग गई हो? नहीं भाई, ऐसा तो कोई वैसा सीन हुआ नहीं था। सेंटर देना या ये देना? ये दोनों। ओके, अच्छा ये नहीं है। ओके, ऊपर वाला नहीं है। ओके ओके, सब में देखने हैं। ओके ओके, ठीक है, सबको देखेंगे। हाँ जी, हाँ क्या था? अगर नहीं, मेरे साथ ऐसा है, मुझे देख के लगता है मुझे भाग सकता है क्या जी? इनके बारे में, मेरे बारे में, शादी के, मेरी तो शादी हुई नहीं है अभी तक। मैंने फिल्मों में शादी की हूँ, फिल्मों में तो मेरे हिसाब से मैंने जितनी फिल्म्स की हूँ सब में मेरी शादी हुई है, तो लगभग 15 साउथ से, हिंदी से और भोजपुरी को कैलकुलेट करें तो 12 या 15 हो चुकी हूँ जी। रियल लाइफ में तो देखिए, शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, वो तो एक ही से होता है और वो एक होना भी चाहिए, और उसके साथ ज़िंदगी भर आपको साथ निभाना चाहिए, तो उसको हम मजाक, उस चीज़ को हम मजाक नहीं उड़ा सकते। अभी तो नहीं खोजी है, क्योंकि क्योंकि अभी तो मुझे मेरी ऑडियंस के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में करनी है, तो उनसे और प्यार हासिल करना है, तो जब उम्र होगी तो शादी भी हो जाएगी। जी, दिल का रिश्ता एक्चुअली एक विवाह ऐसा भी में हमारी केमिस्ट्री, हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगी है, तो शायद इसीलिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने सोचा होगा कि हमारी जोड़ी रिपीट करे। एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी तेलुगु से, फिर मैं बॉलीवुड में आई और अब मैं भोजपुर में बहुत खुश हूँ। तो इधर से वहाँ जाने का अब नहीं सोच रही हूँ।